हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसके 38 आयत में लिखा है, तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यही ठहरो और मेरे साथ जाके रहो। ये उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन का अंतिम घड़ी था, जब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने का समय निकट था। उस समय प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने अपने चेलों से कहा कि मेरा जी बहुत उदास हो रहा है, तुम सब यही ठहरो और जागते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को हमेशा, ज्यादातर अपने चेलों को यही बात समझाते थे कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करके वापस लौटे तो उन्होंने क्या पाया कि वे लोग सो रहे। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से आगे जाकर थोड़ी दूर जाकर वे प्रार्थना करते हैं, फिर वापस आकर उन्हें सोता हुआ पाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ऐसे तीसरी बार जब होता है प्रभु यीशु मसीह फिर से जब प्रार्थना करने जाते हैं उन्हें यह बात कह कर जाते हैं कि जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, लेकिन तीसरी बार जब आते हैं प्रभु यीशु मसीह वापस तो फिर से उन्हें सोता हुआ पाते हैं, फिर वो ये नहीं कहते हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करो। 45 आयत में हम लोग देखेंगे, तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जा। उस समय प्रभु यीशु मसीह के जीवन का अंतिम समय, लेकिन सबसे बड़ी बात हम यहाँ पर देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह अंतिम समय जब तीसरी बार उन्होंने अपने चेलों को सोते पाया तो उस बार उन्होंने अपने चेलों से कहा, अब सोते रहो क्योंकि वह घड़ी। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, यदि हमारे पास समय है और हम तैयार नहीं होते हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने सोने का मतलब या फिर जागने का मतलब ये नहीं कहा है कि अपने नींद को त्याग कर जागते रहो, बल्कि वे ये कहना चाहते हैं कि हम अपने आत्मिक रूप से जागते रहें और अपने आप को हम तैयार करें। तब मेरे प्रियो, हमें इन सब वचनों से ये बात सीखना चाहिए कि हमें प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार होना है। हमें नींद त्यागने का मतलब ये नहीं बताया जा रहा है कि हम रात भर जगे प्रार्थना, बल्कि हमें आत्मिक रूप से अपने आप को तैयार करना है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख खड़ा हो। हमें नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब है। बाइबिल बताती है कि वह एक चोर के समान आए, जैसे एक चोर किसी के घर में चोरी करने जाता है तो वो किसी को बताकर नहीं जाता, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह का आगमन भी हो। बाइबिल बताती है दो स्त्रियां चक्की पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी और एक चक्की पीसती रहेगी। प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब है हमें नहीं पता, इसलिए हमें अपने आप को आत्मिक रूप से तैयार करना है और हमें हमेशा निरंतर प्रार्थना करना है ताकि हम परीक्षा में ना पड़े। आमीन। मेरे सारे गम ले।
बख्शे दिए तू, चाहा है तूने मुझे, मेरे सारे गम ले लिए, बख्शे दिए तू, चाहा है तूने मुझे, मेरे सारे गम ले लिए, बख्शे दिए।